तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ ठीक ही होगे। ठीक है, तो आज मैं एक भाई का फोटो अपलोड मतलब एडिट करने जा रहा हूँ। इस भाई ने मुझे यूट्यूब पर बताया कि आप मेरा फ़ोटो एडिट करके यूट्यूब पर डालो। ठीक है, तो मैं इनका फ़ोटो एडिट करके डालूँगा। ठीक है, आप लोग भी भेज सकते हो। पहले तो सबसे पहले फ़ोटो ला के लाइट रूम में, ठीक है, शेयर करके आ गया मेरा लाइट रूम में फ़ोटो। अब इस फोटो को एडिट करना है। ठीक है, ये भाई हमारे यूट्यूब पर भी बताए थे कि मेरा फ़ोटो एडिट करके ना। ठीक है, तो करते हैं इस फोटो को एडिट। ठीक है, तो आप सबसे पहले हम लोगों को जाना है इस लाइट वाले ऑप्शन में। लाइट वाले ऑप्शन में चले गए, उसके बाद ये एक्सपोजर है ना, इस ये देखिए, इधर करिएगा तो कुछ लाइट बढ़ेगी, ठीक है, पूरा वाइट हो जाएगा, और इधर करिएगा तो घटेगी। तो ऐसे का ऐसे ही रहने देते हैं, कुछ ज़्यादा करेंगे तो खराब ही हो जाएगा, कम करेंगे तो खराब ही हो, इसलिए जैसे था वैसे ही रहने लगा इसको। ठीक है, उस हिसाब से रखेंगे। ठीक है, उसके बाद कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना सीखा होता है हमारे, जितने भी मतलब जहाँ पर भी जो कलर होता है वो थोड़ा उसका क्लियर हो जाता है कलर एकदम मस्त सा। देखिए, तो इसको थोड़ा सा बढ़ा देना है। ठीक है, एक इस कर देना। उसके बाद हाईलाइट, हाईलाइट क्या होता है, जैसे कि हमारे जहाँ जहाँ व्हाइट है तो और वो व्हाइट हो जाता है हाईलाइट, लेकिन हमारे कुछ ज़्यादा मतलब व्हाइट वाले पार्ट्स नहीं है, जिस कारण से इसे ऐसे ही रख सकते हैं। ठीक है, और देखिए ये व्हाइट व्हाइट को थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो देखिए जहाँ जहाँ व्हाइट है वो हो जाएगा, लेकिन उतना नहीं बढ़ाना, जिस कारण से हमें यही रहने देना। ब्लैक का थोड़ा सा घटा देना है तो, और देखो फोटो अभी यूनिक लग रहा है। ठीक है, तो अगर अब जाना है अगले वाले टूल में, देखिए कलर का देखिए टेम्परेचर है, टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो थोड़ा एकदम लगेगा कि दिन में खिंचा हुआ फोटो है, और टेम्परेचर घटा इसलिए क्या मतलब कि रात को खिंचा हुआ फोटो है। तो जैसे कहा है वैसा ही रहने देना है, ज़्यादा कुछ में छिड़खानी नहीं करना है। टिंट को भी इसी का वैसे रहने देना है। ठीक है, और वाइब्रेंस को भी वैसे का ही वैसे रहने देना है। ठीक है, तो और अगला है सैचुरेशन। सैचुरेशन को बढ़ाइएगा, जितना बढ़ाएगा तो आपका चेहरा वाला पीला हो जाएगा, पीछे बैकग्राउंड वाला पीला पीला हो जाएगा, एकदम बेकार सा लगेगा। घटाइएगा थोड़ा सा तो कुछ ठीक रहे, चेहरा देखिए नॉर्मल हो गया ना पीला पीला से। ठीक है, उसके बाद इतना रखना है कम से कम 10-15 को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर से ये जो मिक्स टूल है कोने में, मिक्स ये इसमें जाना है। और उसके बाद हम लोग सबसे पहले, अभी कुछ नहीं करना है इसमें, सबसे पहले ये दो नंबर पर जो कलर है ऑरेंज वाला इसमें जाना है, और इसका कुछ मतलब ये हुई वाला टूल में कुछ नहीं करना, बस ये सैचुरेशन वाला थोड़ा घटा देना। घटाने के बाद देखना मेरा फेस कितना मस्त लगेगा, मेरे फोटो मतलब मेरे यूट्यूबर दोस्त का। ठीक है, सेचुरेशन घटा दिए और थोड़ा ल्यूमिनेस जो है इस ल्यूमिनेस को बढ़ा देना। देखो उसके बाद कलर कितना मस्त लगा, सेचुरेशन कुछ ज़्यादा हो गई जिस कारण से मतलब अच्छा नहीं लगा, तो 30 से कम 24 तक रहने दें। ठीक है, मेरे 24 या 22 इतना। ठीक है, ठीक है, तो अगला काम क्या करते हैं, अगला काम देखिए, जैसे ये गुलाबी वाला है, जैसे कि इसका जो मतलब ये जो दोस्त है मेरे यूट्यूबर दोस्त, इनका देखिए मतलब लिप्स जो है गुलाबी है, पूछा थे तो इसको थोड़ा और कर देंगे, देखिएगा इसका लिप्स देखिए क्या और गुलाबी हो गया, क्या मस्त लग रहा है। ठीक है, तो अगला करते हैं क्या, देखिए पीछे बैकग्राउंड हरा कलर है, तो हरा देखिए हरा बढ़ाने से देखिए पीछे जैसे इतना बढ़ाएंगे देखिए पीछे और ये हो गया मस्त सा, लेकिन देखिए और सैचुरेशन और बढ़ा दिया और हरा हो जाएगा और मस्त लगेगा। तो ठीक है, फोटो देखिए कुछ हद तक ठीक हो रही है हमारी, तो इस मतलब हमारे चेहरे पर लग रहा है कि जैसे कि ये फोटो में ये जो पूरा सैचुरेशन पड़ गया, जिस कारण फिर इसमें जाके थोड़ा सा सैचुरेशन घटा देंगे। देखिए अब क्या वाइट चेहरा क्या गजब लग रहा है। उसके बाद हमें जाना कैसे, देखिए अच्छा इसका शर्ट देखते हैं कौन कलर का, ब्लू कलर का। ठीक है, ब्लू कलर चेंज करते हैं, ब्लू वाला कलर में ऑप्शन में गए, और देखिए जैसे इधर करेंगे तो देखिए कलर कैसे हो गया, इधर करेंगे तो कलर ऐसा आ जाएगा, तो ऐसे ऐसे ही ऐसे कर देते हैं, ऐसा कुछ मस्त लग रहा है इसमें। ठीक है, और तो ये सब तो कोई कलर ही नहीं, तो इसका ये सब का सैचुरेशन घटा देना है। ठीक है, सैचुरेशन घटा दिए और इसमें लगभग हमारी फोटो तैयार हो ही गई है यारों। बस अब अगला ऑप्शन में जाएंगे इफेक्ट्स वाले में, इसका टेक्सचर थोड़ा बढ़ा देना। ठीक है, इसमें से थोड़ा क्लियरिटी हो जाता है, ये क्लियरिटी जो है इसको फिर थोड़ा सा बढ़ा देना है, उससे फोटो और क्लियर हो जाता है। उसके बाद ये जो बिगनेट है ना, बिगनेट को थोड़ा सा डिक्रीज कर देना, डिक्रीज करने के बाद देखिए चारों तरफ से भी ब्लैक जैसा हो जाएगा, होगा तो मस्त लगेगा। ठीक है, देखिए क्या मस्त लगा फोटो, कुछ ही हद तक ठीक हुआ है। उसके बाद फिर जा रहे हैं हमारा ये डिटेल, उसमें क्या करना है थोड़ा शार्पनिंग बढ़ा देना। ठीक है,
का जो टूल है जैसा है वैसा का वैसा रहना। खैर हम लोग का इस फोटो का चेहरा देखिए कुछ ज़्यादा खराब लग रहा है, तो वो अगला स्नैपसीड में जाके उसके बाद इसको ठीक किया जाएगा, ठीक है। अपने टेंशन ना लें, बस इसको ऐसे ऐसे का ऐसे हिलाने देना है। और करना क्या है, हम लोग को यहाँ से फोटो को सेव कर देना है, ठीक है। सेव कैसे करना है, ये इसमें जाना है थ्री डॉट में, ये सेव टू डिवाइस कर देना है, इसमें लिमिट टू 2048 पिक्सल्स नहीं, हाईएस्ट अवेलेबल क्वालिटी में जाके ओके कर देना है, ठीक है। फोटो हमारी सेव हो रही है। अब हमें हम लोग जाना है स्नैपसीड एप्लीकेशन में और इस फोटो को और सब और मस्त सा बनाना है, ठीक है। हम लोगों का फोटो सक्सेसफुल हो गया, मतलब कि डिवाइस में सेव हो गया, तो हम क्या ना इसे ओके डन कर देना, फोटो जाके और हमारी गैलरी में सेव हो गई। इसे हटा देना है और हमें स्नैपसीड एप्लीकेशन खोलना है, ठीक है। स्नैपसीड किधर है, अच्छा इधर अंदर ये रहा, स्नैपसीड में गए और स्नैपसीड में ऐसे फोटो लाया जाता आपको पता होना चाहिए, तो इसमें नहीं जाकर ये हम लोग का भी लाइट रूम से किए थे, इसमें जाना है और कर देना ये फोटो ऐसे, ठीक है। तो देखिए ये जो है ये फोटो आ गया स्नैपसीड में। अब इसको क्या करना है, देखिए हम लोग का ये फेस पर जो इतना सारा दाग धब्बे हैं इसको साफ करना है, ठीक है। तो देखिए करना क्या, हम लोग को ये टूल्स में जाना है और नीचे ये सबसे पहले ये पोर्ट्रेट वाला जो है पोर्ट्रेट में आ जाना है, ठीक है। पोर्ट्रेट में आ गए और हम लोग को थोड़ा यहाँ प्रोसेसिंग होगा तो होने देते हैं। वो आपका चेहरा जो है ना फेस को मतलब क्या कहते हैं उसको, मतलब अपने आप हो गया, ठीक है। देखिए आप लोग को इसमें से कुछ दूसरा कोई सा भी नहीं लेना, बस जाके थोड़ा बढ़ाना है, तो ये जो स्मूथ टू का ऑप्शन है ना इसमें चले जाना है, ठीक है। देखो तो इसको जैसे ही आप इधर बढ़ाओगे देखो तो चेहरा कुछ ज़्यादा वाइट हुआ। अब देखिए फिर दूसरा है स्किन स्मूथिंग, ठीक है, प्लस 70 रहता है, आपको बढ़ा देना। बढ़ाने के बाद देखो दाग धब्बे क्या हट गए ना सर, क्या मस्त सा लग रहा है फोटो, क्या कर जाए हमें इसे कर देना क्या सही, ठीक है। कर दिए, करना क्या है थोड़ा प्रोसेसिंग होता ही है सभी फोटो में, ठीक है। तो इतना मस्त फोटो बनेगा तो प्रोसेसिंग होना ही चाहिए। उसके बाद फिर से जाना हमें टूल्स में और फिर जाना ये डिटेल्स वाला है ना, डिटेल्स वाला में गए, ठीक है। डिटेल्स बढ़ा दिए, देखिए डिटेल्स बढ़ने के बाद के फोटो क्या मस्त लग रहा है। तो अभी ठीक कर देते, फेस वेस जैसे खराब लग रहा है तो ठीक करना ही पड़ेगा, तो ये टिक कर देना है आपको। और फिर जाना ये तीर वाला ऑप्शन में और करना है व्यू एडिट्स, वीडियो जाने के बाद ये डिटेल्स वाला ऑप्शन था यही पे देना और ब्रश वाला ऑप्शन पे कर देना है टैप। उसके बाद फिर देखिए क्या करना है, सही कर दिए। उसके बाद फिर बैक जाना है, बैक चले गए। उसके बाद फिर करना क्या है, हम लोग को टूल में जाना है और ये सेलेक्टिव टूल्स है इसे ले लेना है। सेलेक्टिव टूल्स क्या है, तो देखो जैसे कि जहाँ पर भी आपका ब्लैक या मेरा यहाँ देख लो ये कुछ ज़्यादा ऑरेंज लग रहा है, तो इसको हमें ठीक करना है। सबसे पहले इसका थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा देना है, ठीक है। उसके बाद फिर जाना क्या, ये कॉन्ट्रास्ट सबको रहने देना है और स्ट्रक्चर को भी रहने देना है। जाना है सैचुरेशन, सैचुरेशन को क्या करना, इसको थोड़ा पहले कंट्रोल कर लेते हैं, मतलब जहाँ तक हमारा गर्दन के नीचे छाती है बस यहीं तक रहना देना। इसको ऐसे दोनों उंगली से पिंच करके कर देना है। उसके बाद सैचुरेशन को ऐसे घटाना है, देखो उसके बाद क्या लग रहा है मस्त सा, देखो सैचुरेशन घटा दिए, देखो अब मस्त लग रहा है। गर्दन भी ऑरेंज से हो गया वाइट, वाइट करके सही कर देना है, देखो गर्दन भी मस्ती लग रहा है। उसके बाद क्या करना है आपको, सबसे पहले जाना है ये आसमान, मतलब हमारा जो आसमान है देख रहे कुछ मतलब लग रहा है ना, क्या कहते हैं सही रियल आसमान, वैसे भी रियल ही है लेकिन फिर भी और रियल बनना है। जाना है टून इमेज में, उसके बाद सबसे नीचे वार्म्थ का ऑप्शन आएगा, वार्म्थ में जाना है और थोड़ा डिक्रीज कर देना है। डिक्रीज करने के बाद देखो आसमान पीछे हमारा कितना मस्त लग रहा है। तो इसको लेकिन ये सब फोटो हमारा मतलब चेहरा हो रहा है इधर उधर बैकग्राउंड तो कुछ ज़्यादा ख़राब हो गया, तो इसको पहले कर लेना है सही, सही कर देना है टिक कर हिसाब। उसके बाद फिर इस तीर वाले ऑप्शन में जाना है, व्यू एडिट्स में जाना है और कर देना है टून इमेज, और ऐसे करके हम ये कर सकते हैं। और उसके बाद ये 100 पर कर देना है, ठीक है 100 पर कर दिया। उसके बाद ऐसे देखो अब क्या मस्त लग रहा है फोटो, पहले से कितना बेटर, ये कुछ पहले तो ऐसा था जैसे लग ही नहीं रहता, देखो कैसा था ऐसा, देखो मस्त लग रहा है ना। उसे करना सही कर दिए और बैक चले आते हैं।
बैक चला है, देखिए क्या फोटो मस्त लग रहा है। मेरा बाल कुछ ज़्यादा वाइट है तो उसको सिलेक्ट टूल्स में जाना है और फिर बाल पर इसको लेके आना है। उसके बाद इसको फिर पिंच करके अच्छा इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट करके इसका ब्राइटनेस घटा देते हैं ठीक है, और ये स्ट्रक्चर को बढ़ा देते हैं तब की फोटो में सब क्या ट्रेंडिंग लग रहा है गजब। अब इसको कर लेते हैं एक्सपोर्ट, अब इसे फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम जगह पर भी डालें, आग लगा देंगे आग ठीक है। कर देते हैं एक्सपोर्ट, मेरा फोटो प्रिपेयरिंग हो रहा है। पहला तो हम रोटेट किए, रोटेट जो किए थे वो चेहरा वाला वो हो रहा है, उसके बाद फिर डिटेल्स लिए थे वो भी हो गया, और सिलेक्टिव टू इमेज बस हो गया ही गया, हमारा फोटो सेव हो गया। इसे आप फेसबुक व्हाट्सएप जहाँ पर भी लगा सकते हो।